राम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी ओर से निंदा भी करते हुए लेकिन हर दूसरी लाइन में सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते हुए इस घटना पर, लेकिन ये तस्वीरें हम आपको सीसीएस की बैठक की सीधी इस वक्त दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमन सभी लोग इस बैठक में दिखाई दे रहे हैं। अंदर से तस्वीर आई है हिमांशु। बिल्कुल अंजना, अंदर से तस्वीर आ चुकी है, देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह है, वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं, निर्मला सीतारमण है, सुषमा स्वराज है, और प्रधानमंत्री के पीछे ठीक जो अगर आप फोटो देखेंगे तो महात्मा गांधी की है, वो गांधी जो ये कहते हैं, जिनका कहा जाता था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल आगे कर दीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस गांधी के अनुयायी जरूर हैं, लेकिन शायद इस कथन को वो बहुत ज़्यादा नहीं मानते होंगे कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दें, यानी कि वो टिट फॉर टैट को जानते हैं और जैसे को तैसा जवाब देने पे विश्वास करते हैं, और इसीलिए उन्होंने तमाम अपने आज के प्रोग्राम का जो है बीजेपी के उनको एक अटारसी की रैली में जाना था उसको कैंसिल किया है। सरकारी प्रोग्राम उन्होंने भले ही कैंसिल नहीं किए और ये बैठक बुलाई, और ये बैठक इसलिए बुलाई है कि फैसला लिया जाए कि इस आतंकी घटना का जवाब कैसे दिया जाएगा। और इसी पर इस वक्त माथापच्ची हो रही है सीसीएस की बैठक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, वित्त मंत्री सब आपको इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री। पीछे बापू की तस्वीर है, अहिंसा की मूरत, लेकिन जब हिंसा पर ऐसे उतारू हो आतंकी और पड़ोसी देश, तो राष्ट्र का क्या रास्ता हो, क्या नीति हो, मंथन जारी है। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।